हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग होम वर्कआउट सीरीज़ में सीखेंगे कि वन लेग स्ट्रेच कैसे करते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग को फुल रेंज ऑफ मोशन तक करना है, पूरा डीप जाना है। सामने से देखेंगे तो चेस्ट के बराबर अपने पैरों को फैलाना है और फिर पूरा डीप जाना है। और इसका साइड व्यू ऐसा रहेगा, पूरा डीप जाना है। क्योंकि वन लेग स्क्वाट जब हम लोग करते हैं तो हम 90 पोजीशन उठता होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी का वेट ज़्यादा रहता है और इम्बैलेंस आता है। तो पूरा हमको डीप तक जाना रहता है। तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे, पूरा डीप तक जाएंगे, उठेंगे, फिर डीप तक जाएंगे, फिर उठेंगे। इस स्टेप का कम से कम आपको 25 रेप करना है वन गो में। अगर इस पे आप परफेक्ट हो जाते हैं, कम से कम इसको एक वीक तक प्रैक्टिस करिए। इसमें परफेक्ट होने के बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसको बोलते हैं जंपिंग बॉडी वेट स्क्वाट्स। उसमें भी सेम पोजीशन रहेगी, जस्ट की टाइप ओपन रहेगा पूरा। हम नीचे जाएंगे, लेकिन जब ऊपर उठेंगे तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे। पूरा जंप, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसका साइड एंगल कुछ ऐसा रहेगा, पूरा डीप नीचे जाएंगे, यहीं से एक्सप्लोर करेंगे, फिर पूरा डीप नीचे, फिर यहीं से एक्सप्लोर, फिर डीप नीचे, फिर एक्सप्लोर। और इस स्टेप का कम से कम आपको 15 रेप्स करना है एक गो में। आप अगर पहले बॉडी वेट स्क्वाट प्रैक्टिस करिए एक वीक तक, उसमें जब आप एक गो में 25 जाने लगे, कम से कम 3 सेट, देन आपको फिर जंपिंग स्क्वाट की तरफ जाना है। इसको आपको वन गो में कम से कम 12 टू 15 रेप करना है और 3 सेट। एक वीक बॉडी वेट स्क्वाट प्रैक्टिस करिए, देन एक वीक जंपिंग स्क्वाट्स। ये इस पे परफेक्ट होने के बाद आपको थर्ड स्टेप की तरफ जाना है वन लेग स्क्वाट के, जो है आपको पूरा डीप स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है, फिर आपको एक लेग बाहर निकालना, पूरा स्ट्रेट इसको होल्ड करना 3 to 5 सेकेंड्स, फिर वापस आना है, फिर दूसरे लेग को बाहर निकालना है, इसको होल्ड करके रखना है कम से कम 3 to 5 सेकेंड्स, देन अगेन रिपीट होल्ड 3 to 5 सेकेंड, देन अगेन 3 to 5 सेकेंड्स। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसको भी कम से कम वन गो में आप 10 करिए, तो आप 3 स्टेप हो चुके। पहले बॉडी वेट स्क्वाट्स, देन जंपिंग स्क्वाट, देन ये जो अभी मैं हमने बताया, पूरा डीप स्क्वाट के पोजीशन में जाके आपको एक लेग एक्सटेंड करना है, उसको कम से कम 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें हम इमिटिएट करेंगे वन लेग स्क्वाट्स को। आपको नॉर्मल ऐसे खड़े होना और कुछ ऐसे ग्रैब करने की जगह हो उसको, या तो नॉर्मल डोर हो, या तो कोई पोल हो, या कोई वॉल हो। जैसे मेरे पास ये फुटबॉल पोल अवेलेबल है, तो मैं इसमें करूँगा। आपको नॉर्मल ऐसे खड़ा होना है वन लेग स्क्वाट्स की जैसे, और जाना नीचे दोनों पैर से है पूरा डीप। लेकिन जब आप उठेंगे तो यू हैव टू यूज़ दिस पोल और फिर उठना है पूरा, ठीक है। आप पोल के पास थोड़ा खड़े रहिए ताकि आपका बैलेंस अच्छा बने। उठते समय आपको पूरा लोड इस पोल में जाएगा, नीचे जाते समय आपको पूरे दोनों लेग यूज़ करने हैं बराबर नीचे जाने के लिए, फिर आपको एक लेग उठाना है, फिर पोल को ग्रैब करना है, यू हैव टू गो अप लाइक दिस। यह आपका राइट लेग से हो गया, लेफ्ट लेग से भी सेम होगा। ऐसे खड़े रहेंगे, दोनों पैर से नीचे जाएंगे पूरा डीप, फिर जब उठना है तो इसको ऐसे ग्रैब किए, पैर को बाहर निकालें, यू हैव टू गो अप। तो अब हम चार स्टेप कर चुके हैं। पहला हो गया बॉडी वेट स्क्वाट्स, देन जंपिंग स्क्वाट्स, देन डीप स्क्वाट की पोजीशन में एक एक लेग जो बाहर निकालना है उसे, फिर पोल को लेके इमिटिएट करना है पूरा वन लेग स्क्वाट्स। नाउ आप ये चारों पे मास्टर होने के बाद, नाउ यू हैव टू गो टू ट्राई वन लेग स्क्वाट्स। तो वन लेग स्क्वाट्स सिंपल है, नॉर्मल इस पोजीशन में खड़े रहेंगे, आप अपना एक लेग थोड़ा बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा अपना पैर बाहर निकालना है, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया था, आप इसमें डीप जा सकते हैं, 90 डिग्री में आप उसको होल्ड करेंगे तो आपके लिए टफ पड़ जाएगा। तो ये पूरा डीप होंगे पूरा, फिर यहाँ से आप एकदम धीरे से, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे मुझे भी 90 डिग्री में होल्ड करने में टफ पड़ेगा, इतना मैं नहीं होल्ड कर पाऊंगा, लेकिन इतना ईजिली मैं जा सकता हूँ। सो हाथ ऐसे सीधे, इतना नीचे गए, ये वन लेग स्क्वाट्स, राइट लेग जब ऊपर रहेगा, फिर लेफ्ट से भी सेम ऐसे ही करेंगे,
एकदम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। पहले एक होगा, एक होने दीजिए, एक ऐसे करिए बाकी पोल पकड़ के करिए, फिर पांच ऐसे करिए बाकी पोल पकड़ के करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मास्टर होते जाएंगे। तो अब मैं एक बार और आपको लेफ्ट लेग उठा के दिखा देता हूँ। तो हल्का सा बस बाहर निकालना, क्योंकि आप स्टार्ट करें इतना स्ट्रेच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो हल्का सा उठाएं, पूरा नीचे गए ये, ठीक है। फिर ध्यान, हाँ फिर इस पोजीशन में अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, एक रेप, वरना ऐसे आ जाइए। फिर सेकेंड रेप के लिए फिर यहाँ से उठाइए, फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर रेस्ट कीजिए। फिर जब आप मास्टर हो जाएंगे तो आप एक गो में तीन या पांच आराम से ही कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस चाहिए, 10, 12, 15 तक जाता है। जैसे मैं एक स्टेप पे आपको पांच करके दिखाऊं तो फ्रेंड्स ये पांचों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। एक स्टेप आप कम से कम 10 दिन प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जंप करिए। आप अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी वन लेग स्क्वाट की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वर्कआउट सीरीज या फिर ये वर्कआउट वीडियो वन लेग स्क्वाट में हेल्प करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।